मैक्सिमा एंड मिनिमा की शुरुआत करेंगे। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिक्रीजिंग और हासमान फलन। कुछ सवाल कुछ बच्चों को कुछ ग्राफ में दिक्कत आ रही है, तो वो मैं अलग से आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए। आज के टॉपिक क्योंकि और हासमान, तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। ग्राफ के, ग्राफ से आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आप परेशान मत होइए। तो आप उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, ये हमारा टॉपिक है। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है? तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीजिएगा इसको, तो बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे इसको, है ना? पहले उन्हीं की बात करेंगे, लोकल मैक्सिमा या हम इसको कहें पहले स्थानीय उच्चिष्ट। और पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं कहूंगा तब आप लिखिएगा। स्थानीय उच्चिष्ट क्या होता है, लोकल मिनिमा थोड़ा कम बताएंगे समझ में आएगा। दूसरा हम लोग लिखेंगे स्थानीय, ओके। तो जरा देखिए कितना ही शानदार, कितना ही आसान है। जरा मैं आप यहां पे देखिए, पहले हम ऐसे समझाने के लिए आपको कुछ ग्राफ से कुछ यहां पे बताना चाहता हूं। यहां पे देखिए, हमने मान लिया एक एक्स और वाई एक्स यहां पे है, कुछ ग्राफ आप देखिए यहां पे मैंने कुछ प्रकार बना दिया, ठीक है? तो इस ग्राफ में आप देखिए यहां पे कुछ किसी को एक्स, ये कोई फंक्शन है। तो यहां पे अगर आप देखें तो अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं एक पॉइंट ले रहा हूं आपके लिए, मैं यहां पर एक पॉइंट मान ले रहा हूं ए, एक्स बराबर ए, ये पॉइंट है, है ना? अब यहां पे आप खड़े हैं, है ना? यहां पे आप खड़े हैं मान लीजिए, तो जब आप आगे की तरफ आएंगे, जब आप आगे की तरफ आएंगे तो आप नीचे आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। मान लीजिए आप इस पीक पॉइंट, इसे चोटी कहेंगे, यहां पे खड़े हैं, तो अगर आप आगे की ओर बढ़े, थोड़ा आगे आप जैसे जाएंगे तो आप अगर नीचे आएंगे नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आप अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? उसी प्रकार अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे जाएं तब भी आप नीचे की तरफ आएंगे। तो जब आप यहां खड़े हैं और थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसी प्रकार जब पीछे की तरफ पैर तो आप तोड़ता है तब भी आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं कि यहां पे अगर आप ये थोड़ा सा मैं h ले रहा हूं, जो छोटा छोटा कदम है आपका, h जो है वो लगभग जीरो के बराबर है और ये पॉजिटिव है, ठीक है? तो यहां पे अगर मैं इतना h मान लेता हूं, ये आपने h a प्लस एच, आप कदम एक आगे बढ़ा रहे हैं तब भी आप नीचे जा रहे हैं। देखिए अगर आप कहां पे आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहा है। इसी प्रकार जब आप पीछे की तरफ आते हैं तब भी आप देखिए कि यहां पर आप तब भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन एफ एक्स है उसका जो बिंदु है ए, जो ये बिंदु है ए, ये क्या है? स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु क्या है आपका? स्थानीय उच्चिष्ट। इसी प्रकार अगर हम बात करें स्थानीय निम्निष्ट की, स्थानीय निम्निष्ट की अगर हम बात करें, इसके लिए भी मैं कोई ऐसा ही फंक्शन मान लेता हूं, ओके? ऐसा कोई फंक्शन नहीं है एफ ऑफ एक्स, ठीक है? अब इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं ए, इस वाले पॉइंट पर आप यहां पे हैं, ठीक? आप यहां पे खड़े हैं, इस वाले पॉइंट पे आप खड़े हैं। तो जब आप यहां पे खड़े हैं और आप इससे एक कदम आगे जाते हैं
तो बताइए आप जब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप आपको लगेगा कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ए प्लस एच ही पॉइंट है, मतलब आप ए से एक कदम आगे गए। इसी प्रकार जब आप पीछे की तरफ जाते हैं ए माइनस एच, तभी आपको लगेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं। तो जब आप यहां पर खड़े थे और जब आप अपना कदम बढ़ा रहे हैं, बहुत छोटा कदम, इतना छोटा कदम लगभग जीरो के बराबर, 0.00001, तो आपको लगेगा कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है आपका, ये वो वाला पॉइंट है, कौन सा, स्थानीय निम्निष्ठ, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। अगर हम बात करें इसको, अगर हम मैथ में सीखें तो यहां पे आप एक चीज देखिए कि अगर हम मैथ में स्थानीय उच्चिष्ठ की डिफिनीशन लिखें, इसकी कंडीशन लिखें, तो हम क्या लिख सकते हैं कि बताइए जो फंक्शन का मान होगा ए पर वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, किससे ज्यादा होगा। जब देखो मान लो यहाँ पे ए है, एक्स बराबर है, एक्स बराबर ये ए प्लस एच है, हम थोड़ा सा आगे गए, हम थोड़ा सा पीछे गए, तो ये हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, जब हम आगे जाते तब भी हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, जब हम पीछे बढ़ रहे हैं तब भी हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए जो फलन का मान ए पर होगा वो ज्यादा होगा किसकी तुलना में, ए माइनस एच, ए प्लस एच की तुलना में। तो यही चीज मुझे यहां लिखना है कि एफ ऑफ ए का जो मान है अगर वो ज्यादा आता है किससे, ए प्लस एच से भी ज्यादा आता है। देखिए ए प्लस एच का तो मान यहां तक मिल रहा है, इसी प्रकार और अगर हम बात करें ए की तो ए का मान आप यहां तक देख रहे हैं, तो वाई एक्स ना जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो मान ज्यादा मिलता जाता है। इसी प्रकार हम बात करें एफ ऑफ ए का मान किससे बड़ा होगा, ए माइनस एच से भी बड़ा होगा। तो यदि ऐसा होना चाहिए तभी तो हम कहेंगे कि हम पीक पे खड़े थे, हम चोटी पे खड़े थे। तो ये इस पॉइंट पर ए पर, एक्स बराबर ए पर ये वाला पॉइंट हम कहेंगे फलन एक्स बराबर ए पर फलन स्थानीय उच्चिष्ठ कहलाएगा यदि एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, इसी प्रकार एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच। वही बात यहां पे आप सीख लीजिए कि भाई अगर हम बात करें एफ ऑफ ए पर, तो एफ ऑफ ए पर जो मान होना चाहिए वो अगर हम कदम आगे बढ़ाते हैं, यहां पे तो आप नीचे की तरफ जा रहे थे लेकिन यहां पे तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये आपका एफ ऑफ ए यहां तक है और जब आप आगे कदम बढ़ाते हैं थोड़ा ऊपर जाते हैं आप, है ना, यहां पे देखिए। तो हम बात करें अगर एफ ऑफ ए प्लस एच की, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, हम कहेंगे ए प्लस एच बड़ा होगा क्योंकि आप देखिए यहां तक आ रहा है तो ये बड़ा होगा, तो एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। इसी प्रकार माइनस ए माइनस एच भी क्या है, इसी प्रकार ए माइनस एच की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच। तो यही इसकी डिफिनेशन होती है, यही इसकी परिभाषा होती है स्थानीय उच्चिष्ठ की और स्थानीय निम्निष्ठ की। तो दोनों में हमने आपको कंफ्यूजन करके दिखाया कि स्थानीय उच्चिष्ठ क्या होगा, स्थानीय निम्निष्ठ क्या होगा। इसी प्रकार ढेर सारे ग्राफ आप बना सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो अब इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको फिर इसको लिखवाता हूं। देखिए आपको एक प्रॉपर नोट्स आपके पास होगा, फिर आप अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छी होगी। तो यहां पे मैंने आपको सिखाया स्थानीय उच्चिष्ठ और स्थानीय निम्निष्ठ, कुछ आपको फीलिंग आई आप हमको चैट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब यहां पे आप अगर कॉपी बना रहे हैं तो कॉपी बिल्कुल बनाते हुए चलिए, आप स्थानीय उच्चिष्ठ में लिखिएगा, स्थानीय उच्चिष्ठ में लिखिए बिंदु x बराबर a, बिंदु आप लिखिएगा बिंदु x बराबर a फलन f ऑफ x का स्थानीय उच्चिष्ठ का बिंदु कहलाएगा, बिंदु x बराबर a फलन f ऑफ x का स्थानीय उच्चिष्ठ बिंदु कहलाएगा यदि, यहां पे आप लिखिएगा यदि, ये कंडीशन लिखिए यदि एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, इसी प्रकार एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, यहां पे स्टाला के लिखिएगा, यहां पे एच जो है, यहां एच एक छोटी धनात्मक संख्या है, यहां पर एच एक छोटी धनात्मक संख्या है। शॉर्ट में आप इसको याद रखिए कि एच का मान लगभग जीरो के बराबर। स्थानीय निम्निष्ठ में भी आप वही बात देखेंगे,
बिंदु x बराबर a, बिंदु x बराबर a पर फलन, हम पहले बिंदु x बराबर a फलन fx का स्थानीय निमिष्ठ बिंदु कहलाएगा। आप इसी प्रकार लिखिए, बिंदु x बराबर a फलन fx का स्थानीय निमिष्ठ बिंदु कहलाएगा यदि, ये कंडीशन आप लिख दीजिए, जल्दी से लिखिए इसको, यदि ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप कर चुके होंगे। अब आपको यहां पे एक नोट लिखना है। अभी तो हमने किसकी बात की, अभी तो हमने बात की x बराबर a, और x बराबर a क्या है, उच्चिष्ट बिंदु इसके लिए, और x बराबर a क्या है, निमिष्ट बिंदु, है ना, इस हम कहेंगे इसके लिए निमिष्ट बिंदु। तो हमने अभी बिंदु की बात की, अब हम बात करेंगे मान की। देखो, जिस बिंदु पर फलन निमिष्ट है उसे हम कहेंगे निमिष्ट का बिंदु, जिस बिंदु पर फलन उच्चिष्ट है हम कहेंगे वो उच्चिष्ट का बिंदु है। तो अब यहां पे आपको लिखना है, अब उस बिंदु पर हम फलन का मान निकालेंगे, ठीक है। फलन क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स, ग्राफ में मिटा रहा हूं। अब आप देखिएगा, आपको यहां पर लिखना क्या है, आप यहां लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, बिंदु x बराबर a, बिंदु x बराबर a पर फलन का मान, फलन का मान क्या आएगा f ऑफ a पर, फलन अगर f ऑफ x है तो फलन का मान a पर क्या आएगा, f ऑफ a। तो बिंदु x बराबर a पर फलन का मान f ऑफ a क्या कहलाएगा, हम कहेंगे अगर वो हम बात करेंगे निमिष्ट के लिए तो निमिष्ट की बात होगी, बात करेंगे उच्चिष्ट के लिए तो उच्चिष्ट की बात होगी। तो बिंदु x बराबर a पर फलन का मान f ऑफ a क्या कहलाएगा, अगर हम बात करेंगे स्थानीय उच्चिष्ट की तो क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट कहलाएगा, है ना। तो यहां पे आप लिख दीजिएगा फलन का मान स्थानीय उच्चिष्ट, यहां लिख दे रहा हूं दोनों बातें, स्थानीय उच्चिष्ट, स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निमिष्ट, स्थानीय निमिष्ट है ना, स्थानीय निमिष्ट कहलाएगा। तो बिंदु x बराबर a पर फलन का जो क्या है, f ऑफ a, तो फलन का मान और बिंदु दोनों की बात मैंने अलग अलग की, स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निमिष्ट कहलाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको कर लीजिए, कुछ पॉइंट यहां पे हम लिखेंगे रिमार्क्स में, अभी मैं डाल रहा हूं, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, मैंने क्या बताया आपको। अब देखिए कुछ रिमार्क्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, कुछ याद करने योग्य बातें हैं, है ना। रिमार्क्स देखिए, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आपका है बिंदु x बराबर जो a है वो फलन के प्रांत का बिंदु होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां x बराबर a, बिंदु बिंदु x बराबर a फलन के प्रांत का बिंदु है, फलन के प्रांत का बिंदु है, जो फलन का प्रांत होगा वही हम x बराबर a लेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी ये मान ले सकते हैं, है ना, फलन का प्रांत का बिंदु है। एग्जांपल मैं इसको अगर समझाना चाहूं इस पॉइंट को, ये सब मान लीजिए कोई फलन आपका है कुछ इस प्रकार है, वो मान लेता हूं ऐसा है, मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका फलन यहां से यहां तक परिभाषित है, यहां से लेकर यहां तक, तो इसका प्रांत कहां, अगर मान लो ए से बी में परिभाषित है तो इसका प्रांत इसी में तो होगा, ए और बी के बीच में, कोई पॉइंट आप यहां ले लेंगे तो क्या आप बता पाएंगे कि वो स्थानीय उच्चिष्ट है या निमिष्ट है। हम जहां तक फलन परिभाषित होगा उसी के अंतराल में हमें लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप वाई बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ देते हैं तो ये कहां से कहां तक परिभाषित है, हम ये प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत तक, कोई भी मान आप लिख दीजिए, इसका प्रांत कहां पे, कहां से कहां तक है, माइनस से लेकर प्लस तक। तो अगर कोई फलन यहां तो परिभाषित ही नहीं है, मान लीजिए कोई फलन यहीं से जीरो से अनंत तक ही परिभाषित है, तो हम कहेंगे ये वाला पॉइंट हम नहीं लेंगे। तो इधर जो भी पॉइंट लेंगे उस पर हम नहीं बता पाएंगे कि वो कहां स्थानीय उच्चिष्ट है, वो कहां स्थानीय निमिष्ट है। तो ये पहला पॉइंट आपका ये हुआ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अभी तो ये तरीका आपको सिखा रहे, देखिए अभी यहां पर हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे, सवाल कैसे कराएंगे आपको भी देखिएगा। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, जो हम कहेंगे उच्चिष्ट या निमिष्ट के बिंदुओं को, ध्यान देना, जो हमने बिंदु निकाला उच्चिष्ट या निमिष्ट के बिंदुओं को, के बिंदुओं को
चरम बिंदु, चरम बिंदु एक नया वर्ड, चरम बिंदु भी कहा जाता है, चरम बिंदु भी कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, जो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के बिंदु है x बराबर a की हम बात करें तो उन बिंदु को हम क्या कहते हैं, चरम बिंदु भी कहते हैं। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, कहीं आपको परेशान कर सकता है। तीसरा पॉइंट में आप लिखिएगा, चरम बिंदुओं पर जो फल का मान होगा, जैसे मैंने फल का मान निकाला, स्थानीय मान हम कहेंगे, स्थानीय जो फल का मान है एफ ऑफ ए स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ट कहलाएगा, है ना। अब देखिए चरम बिंदुओं पर, चरम बिंदु पर फलन का मान, फलन का मान क्या कहलाएगा, चरम मान, फलन का मान चरम मान कहलाएगा, चाहे आप उच्चिष्ट के लिए निकालेंगे चाहे आप निम्निष्ट के लिए, ठीक है। इतनी बात आप जल्दी से करिए। तो यहां पर भी आप नोट पॉइंट जो आप लिखे हैं, बिंदु x बराबर a पर फलन का मान एफ ऑफ ए स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ट, यहां पे मान लिख दीजिएगा, है ना, ये मान को बताएगा। तो बिंदु x बराबर a पर फलन का मान एफ ऑफ ए जो होगा वो स्थानीय उच्चिष्ट मान या कहेंगे स्थानीय निम्निष्ट मान कहलाएगा, ठीक है। तो मान आप यहां पे रखिएगा, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय स्थानीय निम्निष्ट बिंदु, तो x बराबर a की बात कर रहा है, और कहेगा स्थानीय निम्निष्ट मान, तो एफ ऑफ ए की बात कर रहा है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिए। अब दो पॉइंट और हम सीखेंगे, आप कोई प्रॉब्लम यहां तक है तो बताइए। इसको जल्दी से करिए। वीडियो देख ले रहा हूं, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत अच्छा। ये उच्चिष्ट निम्निष्ट का पहला लेक्चर, सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पे आगे आगे आप कुछ और पॉइंट जो आपके काम के हैं, मैं आगे सारी बातें ये यहां पे कर रहा हूं और सारी बातें आपके काम की हैं, आगे आप समझ में आएगा आपको, अभी आप नोट करते जाइए। अभी आपको लग रहा होगा ये सब क्या चीज है, लेकिन यही सब बातें आपको परेशान करती हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पे हम एक और बात करेंगे, स्थिर बिंदु की बात करेंगे, ठीक है। स्थिर बिंदु, तो आप यदि लिखेंगे स्थिर बिंदु, ये कौन सा बिंदु होता है, जरा देखिए। तीसरा पॉइंट आप यहां पे लिखिएगा, ऐसे पॉइंट डाल के लिखिएगा, स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। स्थिर बिंदु क्या होगा, इसकी परिभाषा लिखिएगा, फलन एफ ऑफ के वे बिंदु, लिखिएगा फलन एफ ऑफ एक्स के प्रांत के वे बिंदु, वे बिंदु, फलन एफ ऑफ एक्स के प्रांत के वे बिंदु, जिन बिंदुओं पर, आप देखिएगा, जिन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर एफ डैश एक्स बराबर जीरो हो, हो स्थिर बिंदु कहलाते हैं, स्थिर बिंदु कहलाते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो फलन आपका एफ ऑफ एक्स है उसका जो प्रांत का बिंदु है, देखो प्रांत के बिंदु में हम बात करेंगे, इसे हमने अभी पढ़ा चरम बिंदु है ना, तो प्रांत के बिंदु को हमें लेना है। तो अगर फलन आपका एफ ऑफ एक्स है, अगर हम उसके प्रांत का कोई भी बिंदु ले रहे हैं जिसके लिए
एफ डैश एक्स बराबर क्या रहा है जीरो, तो वो हम कहेंगे कि वो जो बिंदु होगा जिसके लिए एफ डैश एक्स क्या रहा है जीरो आ रहा है इस एक्स के साइन पर रखने पर, तो कहलाएगा स्थिर बिंदु। ठीक है, इसके बाद एक और आता है पॉइंट, उसे कहते हैं क्रांतिक बिंदु, ये भी आप समझिए क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। क्रांतिक बिंदु क्या है, तो हम लिखेंगे फलन एफ ऑफ एक्स के प्रांत के वे बिंदु, के प्रांत के वे बिंदु, वे बिंदु जिन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर हम लेंगे फलन, फलन एफ डैश एक्स बराबर जीरो हो, एफ डैश एक्स बराबर जीरो हो, या हम कहेंगे फलन विद्यमान ना हो, फलन विद्यमान ना हो। ठीक है, तो हम कहेंगे फलन विद्यमान ना हो क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं, क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। यहां पे देखिए जिन बिंदुओं पर यह डैश एक्स जीरो होता है उसे हम क्या कहते हैं स्थिर बिंदु, और हम कहें जिन बिंदुओं पर फलन एफ डैश एक्स जीरो के बराबर भी हो सकता है या फलन उस बिंदु पर फलन विद्यमान भी नहीं हो सकता है, तो हम बात करेंगे कि कोई फलन एफ डैश एक्स अगर जीरो के बराबर हो या वो विद्यमान ना हो तो हम कहेंगे वो क्या कहलाएगा क्रांतिक बिंदु। यहां पर आप एक नोट लिख सकते हैं, और नोट में आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो क्रांतिक बिंदु होता है ना, या हम कहें एक चीज बताइए, जो स्थिर बिंदु है ना, उसके लिए कंडीशन क्या है एफ डैश एक्स बराबर जीरो, और क्रांतिक के लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए भी यही कंडीशन है और साथ में ये कंडीशन है, तो हम ये कहेंगे कि प्रत्येक जो स्थिर बिंदु होता है, यहां पर लिखिएगा नोट में, प्रत्येक स्थिर बिंदु, प्रत्येक स्थिर बिंदु क्या होता है, प्रत्येक स्थिर बिंदु क्रांतिक होगा, क्रांतिक बिंदु होता है, होता है, परंतु परंतु ये बताइए परंतु हम कहेंगे प्रत्येक, हम कहेंगे प्रत्येक क्रांतिक बिंदु, प्रत्येक क्रांतिक बिंदु स्थिर बिंदु नहीं होता है ना, स्थिर बिंदु नहीं होता, स्थिर बिंदु नहीं होता, स्थिर बिंदु नहीं होता, या हम ऐसा भी कह सकते हैं प्रत्येक स्थिर बिंदु क्रांतिक बिंदु होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, क्यों, अगर फलन विद्यमान नहीं होगा तो हम कहेंगे वो उस बिंदु पर वो हम स्थिर बिंदु नहीं कहेंगे लेकिन उसे हम क्रांतिक बिंदु कहेंगे, और दोनों की बातें यहां तो सेम आ ही रही है लेकिन साथ में जो क्रांतिक बिंदु होता है वहां पे एक कंडीशन और है कि फलन विद्यमान नहीं भी होगा तभी वो बिंदु क्या कहलाएगा क्रांतिक, लेकिन फिर वो बिंदु स्थिर बिंदु नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतना करिए जल्दी, आप देखिए अब आपको सवाल की नजदीक आप हैं, बस दो पॉइंट आपको पढ़ाना है, टेस्ट आपको पढ़ाने हैं, परीक्षण आपको पढ़ाने हैं, अभी तो मैंने आपको कुछ टर्म्स जो यहां पे यूज होंगे कुछ टर्म ऐसे हैं जैसे स्थानीय उच्चिष्ट स्थानीय निमिष्ट उनका मैंने आपको अर्थ बताया अभी, अब उच्चिष्ट का सवाल कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग टेस्ट कुछ पढ़ेंगे, और जैसे मैं अगर कहीं बात आ जाती है स्थिर बिंदु कहीं बात आती क्रांतिक बिंदु की तो दिमाग में कहीं ना कहीं चलता कि आखिर ये चीजें होती क्या है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बात की है, अभी ये इंट्रोडक्शन था कुछ शब्द का तो हमने यहाँ पे इतनी बात आपसे की, तो ये आप पॉइंट नोट कर चुके होंगे, अब हम बात करेंगे इनके सवालों की, तो सवाल आपसे सॉल्व तभी होंगे जब आप यहाँ पे परीक्षण सीखेंगे, तो यहाँ पे हम दो परीक्षण सीखने वाले हैं, तो आज आपको मैं एक परीक्षण बता दूंगा उस पर सवाल आपको कराऊंगा, क्लास में दूसरा परीक्षण बताने वाला हूं, यहां पे सवाल हो जाएगा फिर चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा वाला है ना, तो मैक्सिमम का जितना भी सवाल होगा सब मैं इस बोर्ड पे करूंगा आपके लिए, परेशान मत होइएगा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, हेडिंग लिखिए उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, एवं निम्निष्ट के लिए
अवकलज परीक्षण, अवकलज परीक्षण, हम लोग अवकलज परीक्षण, हम कहेंगे अवकलज परीक्षण के द्वारा हम कहेंगे क्या करेंगे, हम उत्कृष्ट और निमिष के लिए अवकलज परीक्षण करेंगे ना, तो हम उसको दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक होगा प्रथम अवकलज परीक्षण, ठीक है, तो उत्कृष्ट एवं निमिष के लिए अवकलज परीक्षण हम लोग करेंगे और उसकी मदद से बताएंगे कौन सा फलन आपका उत्कृष्ट होगा कौन सा निमिष्ट होगा, मतलब स्थानीय उत्कृष्ट और स्थानीय निमिष्ट की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो एक तो होता है फलन का उत्कृष्ट मान, मतलब कोई भी फलन है उसका सबसे ज्यादा मान कौन सा होगा, एक वो होता है। एक होता है कि मैंने बताया कि आप आगे जाते हैं तब भी आप एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, तो स्थानीय उत्कृष्ट, इसका उल्टा तो स्थानीय निमिष्ट, तो वो बात एक इंटरवल में होती है और किसी भी बिंदु के लिए वो हो सकती है। यहाँ पे आप देखें उत्कृष्ट और निमिष्ट के लिए हम अवकलज परीक्षण पढ़ेंगे, हम पहला देखने वाले हैं प्रथम अवकलज परीक्षण, लिखिएगा प्रथम अवकलज परीक्षण, इंग्लिश में कहेंगे इसको फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये क्या जरा देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, समझिए पहला पॉइंट देखिए, पहले आप समझिए ऐसे हम यहां पे देखेंगे पहला पॉइंट इसमें डालेंगे। पहले आप एक चीज देखिए, हमें एक चीज मैं आपको काफी टाइम से मैसेज, अगर आपके पास मैं कहता हूं एम क्या है प्रवणता, प्रवणता को आप अगर थीटा मालूम है तो टेन थीटा सकते हैं, या आप निकाल सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, कोई पॉइंट आप ले सकते हैं डी डी एक्स ऑफ पॉइंट एट पॉइंट एक्स बराबर ए, एट पॉइंट एक्स बराबर ए, आप जो यम निकाल रहे हैं यम क्या है एम प्रवणता है, तो आप चाहे ऐसा करिए चाहे एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, तो अब यहां पे क्या होगा जरा देखिए, एक और चीज देखिए, अगर हम ये बात करते हैं कि एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बराबर जीरो, कोई पॉइंट है एक्स बराबर ए पर, मान लीजिए एक्स बराबर ए पर एफ डैश ए जीरो, एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि उसकी जो प्रवणता है वो जीरो है, सीधी सीधी बात है कि हमने एफ डैश एक्स को क्या कहा टेन थीटा, मतलब यम कहा, यम क्या है प्रवणता, तो अगर यम डैश एक्स जीरो इसका मतलब यम क्या है जीरो, अगर यम जीरो है इसका मतलब प्रवणता जीरो है, अगर किसी भी रेखा की प्रवणता जीरो होती है तो हम कहेंगे वो एक्स अक्ष की क्या होगी समांतर होगी, ये बहुत ही बार मैं इसको आपको बता चुका हूं। तो यहां पे देखिए पहला पॉइंट, अगर मैं आपको सिखाऊं, कोई मैं ग्राफ बनाता हूं आपके लिए, देखिए मैंने एक ग्राफ आपके लिए इस प्रकार बनाया, ठीक है, इस प्रकार यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया, यहां पे मैंने पॉइंट लिया एक्स बराबर ए, ठीक है, यहां पर इस पीक पॉइंट पर, अब यहां पे मैं ए प्लस एच, इसके पीछे में कोई पॉइंट लेता हूं इधर हूं ए प्लस डैश एक्स बराबर जीरो करता हूं, और अगर मैं किस पॉइंट मैं इस पर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो किसके इक्वल आएगा, हम कहेंगे ये जो है जब ये दोनों आपस में समांतर होंगे एक्स और ये लाइन है ना, तो प्रवणता किसकी इक्वल है जीरो के, तो ए की बात करेंगे तो एफ डैश आप ए बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब देखिए इतनी बात आपको यहां समझ में, अब यहां पे देखिए अगर मैं यहां स्पर्श रेखा खींचता हूं इस पॉइंट पर तो वो स्पर्श रेखा कैसी बताता हूं आपको, मैं इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचता हूं यहां पर देखिएगा ऐसा, ये मैंने खींचा, और एक मैं पॉइंट खींचता हूं इस पॉइंट पर मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं, मैं कुछ इस प्रकार खींच देता हूं, आप देखिए एक मैंने कहां खींचा एक्स बराबर ए पर, जो कि कैसा हुआ बिल्कुल एक्स अक्ष के समांतर, क्योंकि हम जान रहे हैं ऐसा भी आ रहा मैथमेटिक्स भी ऐसा भी आएगा ही, एफ डैश ए बराबर जीरो में यहां क्यों लिखा, क्योंकि इसकी प्रवणता जीरो होगी, और मैं ऐसा लिख सकता हूं अगर एक्स बराबर ए पर ऐसा है तो। अब अगर हम ए से कुछ आगे जाते हैं ए प्लस एच, और यहां पर मैं क्या करता हूं एक स्पर्शी खींचता हूं और इसके पीछे मैं कुछ स्पर्शी खींचता हूं इस प्रकार, तो ऐसा आएगा। तो एक चीज में बताइए यहां पर तो इस लाइन के लिए एक्स बराबर ए पर जो मैंने खींचा है ये तो सही है, ठीक है, अगर हम बात करें इसके लिए अगर आप एफ डैश एक्स मान लेते हैं कोई पॉइंट है एक्स, मैं एक्स ही मान रहा हूं अभी है ना
एफ डैश एक्स। तो इसके लिए जो प्रवणता आनी चाहिए, इसके लिए जो प्रवणता आनी चाहिए वो पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी। अब देखिए आपकी जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार की है ना। तो अगर आप यहां से देखें, मैं ऐसे रफली डायग्राम बनाऊं अगर, तो यहां पे कोण कितना बनेगा 90 डिग्री से ज्यादा। तो कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो अगर थीटा का मान आए तो जो प्रवणता आएगी वो निगेटिव में आएगी, मतलब जो डी डी एक्स ऑफ वाई आएगा वो निगेटिव में आएगा, मतलब जो एफ डैश एक्स आएगा वो बात करें यहां पे कोण क्या है 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि एफ डैश एक्स क्या आएगा लेस देन जीरो। और इसके लिए तो यहां पे आप देखें यहां कोण 90 डिग्री से कम है, तो इसके लिए अगर कोण 90 डिग्री से कम है, अगर कोण 90 डिग्री से कम है तो ये प्लस आएगा, एम प्लस आएगा, डी डी एक्स ऑफ डैश एक्स भी क्या आएगा प्लस आएगा, क्योंकि सब आपस में बराबर। तो यहां इसके लिए एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए एफ डैश एक्स, इसके लिए एफ डैश एक्स हम कहेंगे बराबर जीरो, और इसके लिए लेस देन जीरो। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इस ग्राफ की अगर बात करें, इसका नाम दे दिया वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, ये जो ग्राफ है इसका मैंने नाम दे दिया वाई बराबर एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं कहता हूं एक्स बराबर ए पर ये क्या है उच्चिष्ट है, कब ऐसा होगा जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। देखिए ये बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव से क्या होता है, पॉजिटिव, यहां पे इसकी ढाल क्या हुई जीरो, फिर क्या हुई निगेटिव। तो आप देखिए जो ढाल है वो क्या हो रही है निगेटिव, ये यहां पे मस्ट है। तो इसको मैं पॉइंट में इसको लिखता हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए, लिखिएगा यहां पे, लिखिएगा इसमें, इसमें लिखिएगा यदि एक्स बराबर ए के बाई ओर, लिखिएगा यदि एक्स बराबर ए के बाई ओर से दाई ओर चलने पर, बाई ओर से चलने पर, दाई ओर चलने पर एफ ऑफ ए, यहां कहें एफ डैश ऑफ ए अपना चिन्ह, अपना चिन्ह कैसे बदल रहा है, धनात्मक से ऋणात्मक, धनात्मक से धनात्मक से ऋणात्मक बदले बदले तो x बराबर a पर, x बराबर a पर हम कहेंगे तो x बराबर a पर फलन कैसा होगा, फलन उच्चिष्ट होगा, फलन उच्चिष्ट होगा, ठीक है। तो x बराबर a पर अगर हम बिंदु की बात करें, बिंदु x बराबर a पर फलन उच्चिष्ट का बिंदु होगा। इसी प्रकार हम कहें अर्थात लिख सकते हैं बिंदु x बराबर a पर फलन उच्चिष्ट बिंदु, उच्चिष्ट बिंदु, और हम कहें उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा। और जो मान होगा हम कहेंगे बिंदु x बराबर a पर फलन का मान उच्चिष्ट मान कहलाएगा। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आपको, यहां मैं लिखूंगा और x बराबर a पर फलन का मान, फलन का मान कौन सा मान कहलाएगा उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान कहलाएगा। ये बात आप इतनी याद रखिए। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की, सबसे पहले हमने बात की उच्चिष्ट के लिए, अब इसी प्रकार हम निम्निष्ट के लिए भी समझ लेंगे। तो एक बार इसको दोबारा अगर हम रिविजन करें तो यहां पे अगर हमने एक फलन मान लिया वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, हमने यहां पे एक पहले हमने क्या किया एफ डैश ए निकाला और वो किसके बराबर किया जीरो। इसका मतलब है कि पहले तो हमें वो पॉइंट मिलना चाहिए, ये वाला पॉइंट, अगर ऐसा है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहले तो ये बात होनी चाहिए, उसके बाद अगर हम बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं तो पॉजिटिव से निगेटिव अगर इसकी ढाल आ रही है तो हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट बिंदु जो मान होगा फलन का वो उच्चिष्ट मान कहलाएगा। तो बिंदु और थोड़ा सा डिफरेंस पॉइंट, ये उच्चिष्ट, उच्चिष्ट बिंदु है ना, और यहां पे जो फलन का मान आएगा यहां पे, ठीक है एफ ऑफ ए, ये जो मान उच्चिष्ट मान
ये मान हो, ठीक है, जल्दी से करिए इसको। अब हम बात करेंगे इसकी, सेकंड में इसकी बात करेंगे निम्निष्ठ के लिए, बस सिमिलर उसके लिए भी यहां पे हम देख लेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। फिर हम जल्दी से इस पर सवाल एक कर देते हैं। मैं इतना मिटा रहा हूं अभी, मैं थोड़ा सा अभी जल्दी हो जाएगा। यहां पे देखिए, जल्दी समझ में आपको आएगा। देखो दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट आप डालिएगा, अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाए और ग्राफ, ये आपका एक्स है, ये आपका y है, इस प्रकार का है, देखिए इस प्रकार का, ठीक है, स्पर्श रेखा की,